महाराज नहुष इंद्र बन गए। एक दिन घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे थे, तो पहले वाला जो इंद्र नहीं था, जो इंद्रासन चला रहा था, उस इंद्र की पत्नी छत पे खड़ी हुई थी। उसके महल से होकर के गुजरे नहुष, तो इंद्र की पत्नी ने देखा तो मन में सोचने लगी, वाह भाई वाह, हमारे पति को हटा करके ये इंद्र बने हैं, कितनों अच्छो मोह है, देखो हैं, देखें कितने दिन तक इंद्रासन चलाएंगे। वो इंद्र को देख करके हंसने लगी नहुष को देख करके। हाय नहुष ने सोची, जो हमें देख के हंसते हैं, दार में कार हो गए, क्योंकि हमें बहुत चाहती है, तब हंस रही है। एक बात और ध्यान रखना, अरे मूर्ख इंसान, पराई स्त्री अगर तुझे देख करके हंस रही है, तो समझ ले कि मामला खतरे से खाली नहीं है। वो पराई स्त्री कब तुझे मार के गिरा दे, ध्यान रखना। अगर दुश्मन की औरत तुम्हें देखकर हंस रही है, तो उसके पास कभी नहीं जाना लोगों। कि छोटी पूरी कामनी और सबई पे सगी बेली, ए प्रेमियों, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले मेरी आवाज को सुने। अरे छोटी पूरी कामनी सवई बिसकी बेले, हो रे रामा, जो समन मारे गोताओ से जे मरे हैं हंस खेले, हो राम। लला अवतार सोनू, प्रीति भूसकी तफनी, चंदा रोज कले जो चीरी होती मैं अफनी, पराई औरत अगर तुझे देख रही है हंस करके, वैश्या है वो वैश्या, इन वैश्या को चक्कर में नहीं आओ। अगर मंजिल को प्राप्त करोगे, मालूम नहीं कितनी वो पीली वाली भर रही आ रही। अगर पीली वाली बरनियों के टंक तुम्हारे अंदर चुभो दिए ना, तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, मुंह सूज के तोमा हो जाएगा। छोटी पूरी कामिनी सवई बिछकी बेली, दुश्मन मारे दाव से मरे असिखे, खाए पर नारी की प्रीति भूसकी तफनी, चैन धरियो कले जो चीरी हुई है नहीं अपनी, जैसे रंग कसुम की चादर तैसे रंग पर आई प्रिया को, हाल ही तो हसी बोले तुझे हाल ही कर है तू मत करा को, ये वैश्याएं हैं जो पराई इंसान को गलत नजर से देखती हैं। जब तक तू खर्चा देता रहेगा, तब तक तो जानू प्राणनाथ, मेरी बात को बुरा नहीं समझना, अगर तूने खर्चा नहीं दे पाया ना वैश्याओं को, तू क्या है? अरे तू क्या है? तेरे जैसे 360 है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। ये वैश्याओं के चक्कर में कभी नहीं आ जाएंगे। धोबी की नानक को कहा बिगड़े, जम मेल छटे सवाई ही कपड़ा को, ओसन प्यास बुझे नहीं सीटू तस नीर भलो अपने घड़ा को, कभी प्यास नहीं बुझती है, इससे अच्छा है कि अपने घड़ा का ही नीर अच्छा है। ध्यान रखना मेरी बात पे गौर करना, सभी भक्त समझदार हैं। गंगा को तैर के पार करने जाना,
पराई स्त्री से मिलने जाना, दुश्मन से जंग लड़ने जाना, शेर की शिकार करने जाना। बातों को समझना, शेर की शिकार करने जाना, गंगा को तैर के पार करने जाना, पराई स्त्री से मिलने जाना, दुश्मन से जंग लड़ने जाना। मामला खतरे से खाली नहीं है, जिंदा लौट भी सकते हो, लाश भी घर पे आ सकती है, और हो सकता है कि लाश भी न मिले, ऐसा हुआ करता है। पराई स्त्री को जो लोग गलत नजर से देखा करते हैं ना, उन्हें नरक में जगह मिलती है, कीड़े मकूड़े नोच नोच करके उनको